वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर जजी एफएफ। फिर से बहुत जजी बैक इन विद द न्यू वीडियो। सो बाबू जी, यहाँ पर यार 12 दिन के बाद आपके भाई को होश आ गई कि मेरा एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, जहाँ पर 1K सब्सक्राइबर बाबू जी कंप्लीट होने वाले हैं। पहले तो मुझे इस चीज की होश है, उसके बाद मुझे होश है कि यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर मेरे 1K सब्सक्राइबर्स होंगे। तो यहाँ पर आपका भाई बाबू जी फाइनली हाजिर है यार, हम 12 दिन बाद एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि अगर आप लोग यहाँ पर अपना फ्री फायर का अकाउंट बाय करना है, सेल करना है, तो आप लोग उसको किस तरह से सेफली बाय सेल कर सकते हो। तो बाबू जी, आज आपका भी आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करेगा ना आप लोगों से कोई मांडू शांडू लगाएगा, वॉच टाइम का केरू लगाएगा आप लोगों से। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करेंगे। तो बाबू जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने अपना फ्री फायर का अकाउंट बाय करना है तो आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखनी है और किस तरह से बाय करना है। तो यार सबसे पहले तो आप लोगों ने आप अगर तो बाय करना है फिर सेल करना है, दोनों में से जो भी आपने करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने चल जाना किसी ट्रस्टेड डीलर के पास। आपका भाई बात आते खुद देखिए, यहाँ पर फ्री फायर का डीलर है, बाय सेल का काम करते हैं यहाँ पर तकरीबन 3 साल से। तो बाबू जी, जो लोग यहाँ पर अपना अकाउंट मेरेट थ्रू डायरेक्ट सेल बाय या फिर सेल करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाए, उनको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। आप लोग वहाँ से जाकर के उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों ने कर लेना है ज्वाइन। तो वहाँ पर मैं यहाँ पर आए दिन वहाँ पर अकाउंट पोस्ट करता है, तो डेली के डेली यहाँ पर मैं अकाउंट पोस्ट करता रहता हूँ। जो अकाउंट आप लोगों को पसंद है आप लोगों ने मेरे पास डायरेक्ट इनबॉक्स आ जाना है, और जैसे भी ये अकाउंट में पसंद है उसकी पेमेंट सेंड करके तो आप लोगों ने अकाउंट यहाँ पर मेरे से ले लेना है। ये तो होगी जिन्होंने लेना है, और जिन्होंने सेल करना होगा वो डायरेक्ट मेरे पास इनबॉक्स है अपने अकाउंट की वीडियो प्रोफाइल स्क्रीनशॉट। और यहाँ पर मैं आप लोगों को पहली बात बता रही हूँ, जिन अकाउंट के बाइंड लॉस्ट होते हैं मैं उनकी यहाँ पर डील नहीं करता। तो आप लोग ने बाबू जी, अगर आप लोग के अकाउंट के यहाँ पर कोई भी लिंक लॉस्ट है तो जैसी मर्जी गारंटी आप लोग इनबॉक्स मत आना, क्योंकि यार उनमें बहुत जो है ना मसले मसाइल होते हैं। इसलिए जो है ना, मैं जहाँ पर अगर मेरा कोई अपना जानने वाला बहुत ही ज़्यादा बंदा है, मतलब ट्रस्टेड बंदा हो जिसको मुझे पता हो कि हाँ यार इसके अकाउंट में कल कोई इशू नहीं आएगा, मैं सिर्फ उसका अकाउंट यहाँ पर सेल करवाता हूँ। बाकी बाबू जी, आपका भाई यहाँ पर कोई भी लिंक लॉस्ट अकाउंट की मोस्टली डील नहीं करता। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना कि आप लोग के अकाउंट का कोई लिंक लॉस ना हो, आप लोगों ने मेरे पास अकाउंट इनबॉक्स में लिया ना यहाँ पर, और अपने अकाउंट की वीडियो प्रोफाइल स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने सेंड कर देना, आप लोगों का अकाउंट इंशाल्लाह जल्दी सेल हो जाएगा। तो बात करते हैं, अगर आप लोग मेरे थ्रू अकाउंट सेल बाय या फिर सेल नहीं करें, आप लोग किसी और ट्रस्टेड एडमिन के थ्रू सेल करें। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, अगर आप लोग जाते हैं डायरेक्ट स्कैमर्स के पास हो तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ने यहाँ पर ढूंढने ट्रस्टेड एडमिन जिनके यहाँ पर कम्युनिटी में नाम हो। बहुत सारे एडमिन है लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी के प्रमोशन करने नहीं बैठा। तो आप लोगों ने सबसे पहले चल जाना किसी ट्रस्टेड एडमिन के पास, डीलर के पास। उसके पास जाकर के अगर आप लोगों ने अकाउंट बाय करना है तो आप लोगों ने उससे जाकर के सबसे पहले अकाउंट जो भी आप लोगों ने पसंद कर लेना है, सबसे पहले तो आप लोगों को पेमेंट देनी पड़ेगी, पेमेंट होती है फर्स्ट, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान कर लेना कि बंदा यहाँ पर ट्रस्टेड है। आप लोगों का अगर कोई और एडमिन करा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मेरा कोई अकाउंट पसंद आ गया लेकिन आप लोग मुझे नहीं जानते, तो आप लोगों ने अपने ऐसे किसी दोस्त या फिर किसी ऐसे एडमिन के पास चले जाना, डीलर के पास चले जाना जिसका आप लोगों को आपको पता हो कि ट्रस्टेड है। आप लोगों से जाकर जस्ट ये पूछ लेना कि भाई ये बंदा ट्रस्टेड है या फिर नहीं, वो आप लोगों को बता दे कि बंदा जिसको वो जानता है या नहीं जानता वो बंदा ट्रस्टेड है या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि बंदा ट्रस्टेड है तो आप लोग उसके थ्रू डील कर सकते हो। तो बाबू जी, अब लेट्स से कि आप लोगों ने अकाउंट को पसंद भी कर लिया और उस बंदे को पेमेंट भी सेंड कर दी। अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि जब वहाँ पर आप लोगों को अकाउंट सिक्योर करके दे, तो आप लोगों ने चेक कर लेना है कि अकाउंट के यहाँ पर मैं आप लोग बता देता हूँ, आप लोगों को सिर्फ वहाँ पर मोस्टली गूगल और ट्विटर, वीके और फेसबुक, आप लोगों के 4 बैंड्स होती हैं जिनके पास एप्पल। उसके अलावा भी यहाँ पर हमारे अकाउंट्स में 2 बैंड होती हैं, एक हवावे बैंड होती है और एक एप्पल बैंड होती है। अगर तो आप लोगों के यहाँ पास अगर आईफोन हुआ तो आप लोगों को एप्पल बैंड खुद ब खुद ही नजर आ जाएगी, अगर आप लोगों के पास हवावे हुआ तो आप लोगों को हवावे बैंड ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई और एंड्रॉइड फोन है, ना हवावे का है और ना ही यहाँ पर आप लोग पास आईफोन है, तो आप लोगों ने अपने किसी दोस्त के थ्रू या फिर उसी एडमिन को बोल करके तो उसके थ्रू आप लोगों ने हवावे डिवाइस और एप्पल डिवाइस में भी चेक करवा लेना है कि उसमें जो है यहाँ पर अकाउंट बाइंड ना हो। अगर हो तो आप लोगों ने अकाउंट बाइंड नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि अगर तो आप लोगों के साथ में हवावे का उसका अकाउंट मिले, आप लोगों को सिक्योर करा के दे, तो फिर आप लोगों का अकाउंट इजीली, मतलब आप लोग बेफिक्र होकर ले सकते हो। लेकिन अगर उसमें ये इशूज हो तो आप लोगों ने अकाउंट कभी भी नहीं लेना बाबू जी। लिंक क्लोज्ड अकाउंट में आप लोग कहूंगा कि आप लोग ना लो जब तक उसके यहाँ पर कोई गारंटी, अगर एडमिन जिस बंदे से आप लोग ले रहे हो ट्रस्टेड और आपको गारंटी दे रहा है कि हाँ यार इस अकाउंट में कोई इशू नहीं आएगा, लाइफ टाइम गारंटी है, तो तब आप लोग अकाउंट ले सकते हो। लेकिन उसमें भी रिस्क होता है, मैं आप लोगों को तब यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बेहतर यही है कि आप लोग किसी ऐसे अकाउंट की तरफ चले जाओ जिसके यहाँ पर कोई लिंक वगैरह लॉस ना हो। तो बाबू जी, जब आप लोगों के यहाँ पर लिंक सिक्योर करके दे दे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने किस तरह का अकाउंट लिया जिसके यहाँ पर ओनली फेसबुक बाइंड, उसके अलावा कोई भी बाइंड यहाँ पर उसने अभी तक बंदे ने नहीं की, तो आप लोगों ने सबसे पहले काम यह करना है कि आप लोगों ने बेवकूफ़ी नहीं करनी कि यहाँ पर चलो ओनली फेसबुक बाइंड है तो आप लोग ओनली फेसबुक सिक्योर करके बैठ गए हो। आप लोगों ने जाकर के तो यहाँ पर पहले सबसे जो बाइंड अनबाइंड है आप लोगों ने उनको बाइंड करना है, फेसबुक का उसका न्यू अकाउंट बनाओ उसके साथ फेसबुक बाइंड कर दो। गूगल अनबाइंड है तो आप लोग गूगल का नया अकाउंट बनाना है उसका बाइंड कर देना है, ट्विटर है तो उसको बाइंड कर लेना है, अगर वीके है तो उसको बाइंड कर लेना है। तो बाबू जी, यहाँ पर आप लोग अगर आप लोग ये स्टेप्स ले लेते हो तो आप लोग यहाँ पर सेफ हो चुके हैं 90%। अब 10% आप लोग काम किया, आप लोगों का 10% गया बाकी के अकाउंट्स में जो आप लोगों के यहाँ पर लिंक्स मिले होंगे। आप लोगों ने सारे के सारी बाइंड ओपन करनी है, वीके, ट्विटर, फेसबुक, गूगल और उसके अलावा एप्पल हो या फिर जोन सा मर्जी हो, हुआवे बाइंड हो, आप लोगों ने सब कर जाकर के तो 2 फैक्टर ऑन कर देना है ताकि यहाँ पर आप लोगों का
जो है सेकंड लेयर ऑफ आप लोगों की सिक्योरिटी हो जाए। अगर यहाँ पर कोई बंदा रिकवर करने के पीछे से ट्राई भी करेगा तो उसका फिर अकाउंट उसकी तरफ रिकवर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जो ऑनर है अकाउंट का, वो कि बगैरती करता है कि चलो यार मैं अकाउंट को रिकवर कर लेता हूँ, तो रिकवर नहीं कर पाएगा अकाउंट को। आप लोग जाकर के तो जस्ट टू फैक्टर ऑन कर देना और यहाँ पर आप लोग हो गए 100% सिक्योर। अब आप लोग बेफिक्र होकर के तो अपने अकाउंट पर जिस तरह से गेम चाहो खेल सकते हो। अकाउंट लेने के बाद आप लोगों ने एक चीज़ और याद नहीं, मतलब आप लोगों ने लाजमी कर लेनी कि आप फ्री फायर में हमारे पास लॉग आउट का ऑप्शन आ चुका है। तो आप लोगों ने जस्ट बाबू जी ये काम करना है कि आप लोगों ने जब अकाउंट ले लिया, अकाउंट लेने के बाद आप लोगों ने सिंपल जाना है लॉग आउट और लॉग आउट ऑल डिवाइसेस मार देना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अब ऑफिशियल अभी होता है लॉग आउट का ऑप्शन आ गया। आप लोगों ने लॉग आउट ऑल डिवाइसेस मार देना है और उसके बाद आप टोटली सेफ हो जाओगे। आपका अकाउंट बाबा जी कोई भी बंदा यहाँ पर जो है आप लोगों का अकाउंट अब सिक्योर नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता या फिर हैक नहीं कर सकता। तो बाबू जी बात करते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर अपना अकाउंट सेल करना होगा, तो यार आप लोगों ने अपना अकाउंट अगर सेल करना है तो उसमें कोई भी तरह की रॉकेट साइंस नहीं। आप लोगों ने जस्ट किसी ट्रस्टेड एडमिन के पास चल जाना है एज इट इज, उसको जाकर के अपने अकाउंट की वीडियो और प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। उसके बाद वो कोई कस्टमर ढूंढेगा आपके पास आएगा कि हाँ जानिए अकाउंट इतने में जा रहा है, आप लोगों की जो डील डन होगी आप लोगों ने डील डन कर लेनी है। और आपने फिर वेट करना है, उसे आप लोगों ने लिंक्स फर्स्ट देने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रूल है अगर आप लोगों ने अकाउंट अगर बाय करना है तो आपको पेमेंट पहले देनी पड़ती है, अगर आपने अकाउंट सेल करना है तो आपको लिंक्स पहले देने पड़ते हैं। लेकिन एक शर्त है कि बाबू जी आप लोगों ने बेवकूफ़ नहीं करनी है, ना हो कि आप लोग किसी स्कैमर को जाकर के तो यहाँ पर लिंक फर्स्ट दे रहे हो उसके बाद पेमेंट फर्स्ट दे रहे हो, कि जैसी भाई ने कहा था यहाँ पर लिंक पहले देने और पेमेंट पहले देने, चलो पेमेंट पहले करते हैं। आप लोगों ने कोई यहाँ पर ट्रस्टेड बंदा देख के उसका आप लोगों ने यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है कि हाँ भाई ये बंदा ऑथेंटिक है, रियल है, मतलब ये बंदा यहाँ पर ट्रस्टेड है, स्कैमर तो नहीं है। आप लोगों ने ये चीज़ें कन्फर्म करने के बाद ये स्टेप्स लेने हैं। अगर यहाँ पर कोई भी बंदा उसकी गारंटी नहीं देता तो उसका मतलब बंदा स्कैमर है, आप लोगों ने इसे डील कभी भी नहीं करनी। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर जाने ट्रस्टेड बंदे के पास, उसको अकाउंट की वीडियो अपनी और प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। उसके बाद जो आप लोग को रेट देगा कि यार आपका अकाउंट इतने में सेल होगा, थोड़ी बहस करो, डील अपनी डन करो उसके साथ। जहाँ पर डील डन हो उसके बाद वेट करो, जब कस्टमर आएगा वो आप लोगों से आपसे जस्ट बाइंड पकड़ेगा अकाउंट की, सारी बाइंड सिक्योर करके देगा। जो यहाँ पर बायर होगा दूसरा आपके अकाउंट के, जिसने अकाउंट बाय किया होगा उसको सारी सारी जो लिंक्स वगैरह सबको सिक्योर करके देगा और आपको एडजेंट पेमेंट सेंड कर देगा। तो बाबू जी यही थी हमारी आज की वीडियो कि आप लोग यहाँ पर अपना फ्री फायर का अकाउंट किस तरह से यहाँ पर सेफली और यहाँ पर आप लोग बगैर कोई स्कैम कराए अपना अकाउंट बाय सेल कर सकते हो। तो आई होप सो कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग यहाँ पर हो सकता है कोई बंदा इस वीडियो देखने के बाद स्कैम से बच। तो बाबू जी जा चाहते फिर से बता दूँ, जो लोग मेरे थ्रू बाय सेल करना चाहते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का ऑफिशियल ग्रुप का लिंक होगा, आप लोग जाकर के तो उधर से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और आप लोगों ने डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लेना है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।